आयुष मंत्रालय के निदेशक सदस्य डॉक्टर दिनेश उपाध्याय का कहना है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करके देश को खोखला बना रहे हैं। उनका मानना है कि किसी धर्म या जाति से जोड़कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आपसी प्रेम और सद्भावना के साथ अगर राजनीति हो तो देश पर बाहरी ताकतों का कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने झूठ बोलने और ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति को भारत के भविष्य के लिए खतरनाक बताते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर गहरा कटाक्ष किया। और किस तरह इसकी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरी भाई है, भाभी है, चाची है, ताई है, क्या उनकी मर्यादा और मैं भूल तो नहीं गया। दरअसल आज डॉक्टर दिनेश उपाध्याय चरखी दादरी में नव निर्माण भारत संगठन द्वारा आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किए। वहीं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में सबसे ज्यादा तरक्की की जा रही है। 2014 की तरह इस बार भी बीजेपी केंद्र में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे भारतवर्ष के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुत अच्छी तरह बनेगी पूरे देश के अंदर। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और जिस तरह से देश तरक्की के राह पे गया है, विश्व के पटल में जो भारत का नाम आया है आज की तारीख में, वो अब से पहले 70 साल, ये जो 1947 से लेकर के आज तक, इतना कार्य कभी कोई देश के विदेशों के अंदर जाकर के कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया, जिन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी करके गए हैं। और सरकार हम लोग बना रहे हैं, उसमें कोई हमें किंतु परंतु है नहीं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता वोट डालेगी, अपने काम, सबका साथ सबका विकास के नाम पर भी जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। जनता समझदार है और उस समझदारी का परिचय 2014 में आपने देखा, देश ने देखा, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने देखा, अभी वही कार्य करेंगे बस। वहीं इस मौके पर उन्होंने चीन के खतरनाक इरादों से भी देश की रक्षा करने का सुझाव युवाओं को दिया और कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नक्शे कदम पर चलकर ही देश की रक्षा की जा सकती है। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से विजय कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।